हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एमजी सेक इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं संश्लेषण। क्या बोलते हैं? संश्लेषण। या संश्लेषण का तो मतलब ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं जोड़। संश्लेषण या जोड़, मतलब कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं, या कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में। जब जोड़ते हैं तो क्या बनाएंगे? या तो सिंपल सेंटेंस, या तो कंपाउंड सेंटेंस, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि सिंथेसिस क्या होता है, जो दो या दो से अधिक, क्या होता है, दो या दो से अधिक, इसको ऐसे हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। ठीक, देखिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक, क्या चीज जोड़ रहे हैं? दो या दो से अधिक जो है सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम किसमें बदल रहे हैं? किसी एक सिंपल सेंटेंस में, या एक कंपाउंड सेंटेंस में, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस। ठीक, अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चे तो यही कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, ये जो सिंपल सेंटेंस है, या कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये होता क्या है? तो जब हम ये जानेंगे तब तो हम उसको ऐड कर पाएंगे या कंबाइन कर पाएंगे। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है या कंपाउंड सेंटेंस होता है, उसको अभी हम समझा दे रहे हैं आपको, एक मिनट लगेगा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें क्या हो, एक मेन वर्ब हो। क्या हो? एक ही मेन वर्ब हो। मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन वर्ब हो, एक प्रिंसिपल वर्ब हो, या एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। जैसे बच्चे पढ़े होंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कहोगे पांच प्रकार के। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, ठीक है। तो आप जो भी पांच प्रकार पढ़े हैं, जैसे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक मेन वर्ब्स होते हैं, प्लस क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब क्या होता है? दो या दो से अधिक, इसमें भी मेन वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स, ठीक है, दो या दो से अधिक मेन वर्ब्स हैं, और इसमें कौन सा कंजक्शन होगा तब? सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस, तो हम कहेंगे अ सेंटेंस व्हिच हैज टू और मोर देन टू मेन वर्ब्स प्लस कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक मेन वर्ब हो और उसमें साथ साथ क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कंपाउंड। अब दो या दो से अधिक मेन वर्ब्स हो और सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये था
सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमको पढ़ना है सिंथेसिस, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे कि सिंथेसिस को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक मेन वर्ब्स होते हैं और प्लस कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ठीक है। तो मेन वर्ब तो आपको सेंटेंस में दिया होगा, बस कोऑर्डिनेट कंजक्शन जानना है। तो हमको ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, यहां पे हम लिख दे रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है ये कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं, ठीक। कौन कौन, पहला क्यूमुलेटिव, दूसरा रिलेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव और चौथा अल्टरनेटिव। चार कंजक्शन हो गए। क्यूमुलेट करने का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इसमें कौन सा कंजक्शन आता है, एंड आता है, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, रिलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव और अल्टरनेटिव, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होता है परिणाम, परिणाम का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिजल्ट, ठीक है। इसमें कौन से कंजक्शन होते हैं, सो, देयरफॉर एंड फॉर। फॉर का अर्थ होता है क्योंकि, और सो और देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए। हमने इसमें एक ही कंजक्शन लिखा है, ठीक है, क्यूमुलेट करने वाले में केवल एंड, ठीक। तो ये आसान है, बहुत इजी है, हो जाएगा आप लोगों से। और इसमें हमने तीन ही लिखा, ठीक है। सो देयरफॉर दोनों का सेम होता है, आप इसमें से एक ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हो गया फॉर, ठीक। एडवर्सेटिव का, एडवर्स का मतलब होता है विरोध, एडवर्स का मतलब क्या होता है, विरोध या कॉन्ट्रास्ट, जिसमें विरोध प्रकट हो, ऐसे वाक्य जिसमें विरोध प्रकट हो, जैसे बट, येट, स्टिल, ठीक है। बट मीन्स लेकिन, येट माने फिर भी, और स्टिल माने तब भी, ठीक, इटीसी। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प बताना, विकल्प में आपके पास क्या आएगा, अदरवाइज, ठीक। अदरवाइज मीन्स अन्यथा। दूसरा क्या है, और या, नॉर, ना ही, ठीक है, इटी, या तो इधर और, इसको हम क्या समझ सकते हैं, और नॉर को क्या कहते हैं, इधर और, इसको हमें नाम हो रहा है नीदर डॉट डॉट नॉर। तो और नॉर को हम इससे भी समझ सकते हैं, इधर और नीदर नॉर। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दो सिंपल सेंटेंस है और उसको कहेगा कि किसमें कंबाइन करना है, कंपाउंड सेंटेंस में। जैसे आई वेंट टू द लेक, आई एम गोइंग टू द लेक, आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक। एक और सेंटेंस लिख दिया, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, ही जंप्ड इनटू द रिवर।
अब ध्यान से देखिए, इन चारों में कौन सा यूज होगा? सबसे पहले बात हम हिंदी में समझते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, क्या करूंगा दिल्ली जाके, एक हफ्ते वहां रुकूंगा। तो यानी कि ये क्रमागत चल रहा है, यानी कि पहले दिल्ली जाएंगे और उसके बाद एक हफ्ते रुकेंगे। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा जब हम इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है, किस सेंटेंस में, कंपाउंड में, तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्रम से क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है जो भी काम कर रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक। दूसरा सेंटेंस जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कंबाइन चाहे तो आप लिख सकते हैं या कंपाउंड भी लिख सकते हैं, जिसमें आप कंबाइन कर रहे हैं उस सेंटेंस को, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जब कंपाउंड में बदल रहे हैं तो कंपाउंड लिख दीजिए, सिंपल में बदलना हो तो सिंपल लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स में बदलना होगा तो कॉम्प्लेक्स लिख लीजिएगा। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, वह उसने अपना कपड़ा निकाला, टुक ऑफ का मतलब होता है निकालना। ही जंप्ड इनटू द रिवर, क्या किया, नदी में कूद गया, कपड़ा निकाला और नदी में कूद गया। तो इस तरीके से भी हम हिंदी में ही अगर उसको जोड़ लें तो बहुत ही आसानी होगी, तो जिस बच्चे की वकैब थोड़ी सी स्ट्रांग होगी वो समझ जाएगा और उसके लिए इजी होगा ये, ठीक है। तो ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड ही जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक। तो ये हो गया हमारा, किसका प्रयोग करके, क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हमने किस में बदल दिया, कंपाउंड सेंटेंस में बदल दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको कंजक्शन मतलब कंपाउंड में बदलना होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसमें जोड़ना है या परिणाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, विरोध बता रहा है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है या ऑप्शन दे रहा है, विकल्प दे रहा है। अभी हम जब चारों समझा देंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट कंजक्शन यू विल यूज इन मेकिंग द कंपाउंड सेंटेंस या इन कंबाइनिंग द कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा मिटा दें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम क्रमागत कोई काम करेंगे, ठीक है, क्रम से कोई काम करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या हो जाएगा, ऐड करते जाएंगे तो एंड लगाते हुए चले जाएंगे हम, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल, ठीक है, दूसरा क्या, उसी में हम मिक्स लिखते रहे दो तीन, अब उसी के अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे, ठीक। तो इसमें हम एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लिख दिए ही वॉज इल, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक। अब इसको हम कंपाउंड में बदलना है, ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं। रेशमा वर्कड हार्ड, सी कुड नॉट या कुछ और लिख देना, सी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। एक और लिख दिए, मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल मिस द
रेन, ठीक। एक और एग्जांपल लिखना है, नीचे हो जा रहा है ज्यादा, ठीक है। अब इसका हिंदी देखते हैं, ही वॉज इल, वह बीमार था, और ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया। तो वह बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं गया, इसको ऐसे बना लीजिए, या हो जाएगा वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, दो तरीके से बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ही वॉज इन, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और दूसरा क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, लेकिन क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, ठीक है, फॉर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि, ठीक, क्योंकि ही वॉज इन, दोनों तरीका सही हो गया, ठीक है, कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल, फॉर ही वॉज इन, ही वॉज इन, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें देखिए, रेशमा वर्क हार्ड, सी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, अब ये क्या है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम किया फिर भी अच्छे नंबर नहीं पाए, ये कंट्रास्ट है, विरोध है, ठीक है। तो विरोध वाले में क्या करेंगे, बट येट स्टिल, तीनों में से आपको जो भी इच्छा हो लगा सकते हैं, लिखेंगे रेशमा वर्कड हार्ड बट सी डिड नॉट, ठीक, गेट गुड मार्क्स, ठीक है। मेक हेस्ट, अब इसका हिंदी देखिए, मेक हेस्ट, अब यहां पे जो बट था तो बट की जगह पे आप येट भी लिख सकते हैं, स्टिल भी लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों में से कोई भी एग्जाम, मतलब कोई भी कंजक्शन आप लगा सकते हैं, तीनों सही हो जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, अथवा या तुम ट्रेन छोड़ दोगे, या अन्यथा तुमसे ट्रेन छूट जाएगा, ठीक है, लेट हो जाओगे तो ट्रेन छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेक हेस्ट, बीच में क्या लगा था, अदरवाइज लगा दीजिए, और लगा दीजिए, ठीक है, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। एक एग्जांपल और लिखते हैं, ठीक है, टर्न टू लेफ्ट, यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, ठीक, इसका मतलब कह रहा है टर्न टू लेफ्ट, बाएं मुड़ो और तुम्हें क्या मिल जाएगा, फिर पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो जब इसको कंपाउंड में हम ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो लिख देंगे टर्न टू लेफ्ट एंड यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, ठीक। तो अब हमको लगता है कि आप सभी को कंपाउंड सेंटेंस कैसे जोड़ना है ये क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर क्रम में है, जैसे बाएं मुड़ने पर आपका ये काम होगा, या वहां गए, दिल्ली गए, हम एक हफ्ता रुके तो और कपड़े निकाले और नदी में कूद गए, तो ऐसे जब सेंटेंस आएंगे तो हम क्या लगा देंगे, एंड लगा के जोड़ देंगे, ठीक है, बोथ एंड लगा के जोड़ देंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के जोड़ देंगे, इलेटिव कंजक्शन यानी कि परिणाम वाला जब आएगा, यानी कि परिणाम, परिणाम का मतलब जैसे बीमार था विद्यालय नहीं गया, तो उसमें सो लगा दीजिए, देयर फॉर लगा दीजिए, या फॉर लगा दीजिए, तभी सही हो जाएगा। अगर विरोध प्रकट कर रहा है, जैसे रेशमा मेहनत की वह ज्यादा नंबर नहीं पाई, उसने मेहनत किया वह फेल हो गया, ये क्या है, विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो विरोध प्रकट करने पे हम बट, येट और स्टिल तीनों में से कोई भी लगा देंगे, अगर परिणाम बताएगा, विकल्प, सॉरी विकल्प बताएगा, ठीक है, परिणाम वाले में आपको सो, देयर फॉर और फॉर लगाना है, अगर विकल्प बताएगा तो अदरवाइज और नॉर, इधर और निधर, ना जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है, उसका हम यूज, उसका आप यूज कर लीजिएगा। इसको आसान तरीके से हम एक और तरीका बता दे रहे हैं कि कैसे आपको याद करना है इसको, ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको मिटा दें ऊपर वाला, ठीक है,
तो ये ध्यान में रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक मेन वर्ब्स हो और प्लस क्या हो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन को शॉर्ट में याद करने के लिए ठीक है एक ट्रिक है, फैन बॉयज ठीक है, एफ से फॉर, ए से एंड, एम से नॉर, बी से बट ठीक है, या नीचे लिख दें बट, ओ से और या अदरवाइज, वाई से नीचे लिख दें वाई से येट, एस से सो भी होता है, एस से स्टिल भी होता है ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक याद है और ये कंजक्शन याद है ठीक है, एंड से भी इधर एंड लिख रहनी चाहिए ठीक है, तो बस इतने में आपका कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। अगर हाँ आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कंपाउंड सेंटेंस आप सॉल्व कीजिए ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ठीक है, आई विल हेल्प यू ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, जितनी भी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करें। तो ध्यान रखिएगा, फैन बॉयज ठीक, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और या अदरवाइज, वाई से एट, एस से सो और स्टिल, एस से सो भी होता है स्टिल भी होता है, ओ से और अदरवाइज दोनों होता है ठीक है, इसको दोनों लिख दें और अदरवाइज ठीक, ये हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई क्रम से काम होगा तो क्या लगाएंगे, एंड लगा देंगे, परिणाम होगा तो सो देयर फॉर और फॉर लगा देंगे, विरोध बताएगा तो बट येट स्टिल लगा देंगे, विकल्प बताएगा तो अदरवाइज और इधर और निधर नॉर ठीक है, विरोध वाले में बट येट और स्टिल ठीक। तो अब हमको लगता है कि सभी चीजें कंपाउंड सेंटेंस की क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो ध्यान से जिसको कोई भी डाउट होगा आप अगर सॉल्व कीजिएगा ना एक्सीलेंट से या किसी भी बुक से, सरकारी वाले से, एक्सीलेंट से, विद्या से, तो उसमें आप फंसेगा नहीं, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाए। हाँ अगर आपको हिंदी निकालने आता है तो कोशिश ये कीजिएगा कि हिंदी पहले, हिंदी को ही जोड़ें, जैसे रेशमा वर्क हार्ड, रेशमा ने मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, सी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, उसको अच्छे नंबर नहीं मिले, तो रेशमा ने कठिन परिश्रम किया फिर भी अच्छे नंबर नहीं मिले, इसीलिए तो अच्छे नंबर मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अच्छे नंबर नहीं मिले ये भी गलत हो जाएगा, बचा क्या, विरोध प्रकट कर रहा है, मेहनत करने के बाद आदमी को अच्छा नंबर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला तो विरोध वाले में क्या लगा देंगे, बट येट स्टिल कोई भी लगा देंगे, रेशमा ने मेहनत किया फिर भी उसको अच्छे नंबर नहीं मिले, रेशमा ने मेहनत किया लेकिन उसको नहीं मिले तब भी उसको नहीं मिले, तो बट येट स्टिल कोई भी आप लगा देंगे ठीक है, तीनों सही हो जाएंगे। मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन, ट्रेन यहां लीजिए हमको लगा छूट गया ठीक, तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, किस सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ठीक है, गुड लक, थैंक यू।